नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 2024 को वक्री होंगे, कब और कब तक वक्री रहेंगे इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का असर रहेगा? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। मकर राशि वाले जातक, अगर आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत आपकी जो कुंडली बनी है, उस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, वो भी जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तब की कुंडली है। तो देवगुरु बृहस्पति की तीन दृष्टियां होती हैं, पाँचवीं, सातवीं और नौवीं। तो जहाँ जहाँ इस कुंडली के अंतर्गत डॉट का निशान बना है गुलाबी रंग का, तो समझ लीजिए कि वहाँ वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। तो जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो आपको किस प्रकार से फल देंगे? दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं कुंडली, तो कुंडली के अनुसार समझ में आ रहा है कि लोग आपसे जलने की कोशिश करेंगे, आपकी सफलता से जलने की कोशिश करेंगे, आपके आगे बढ़ने से जलेंगे। तो ये चीज़ें इस कुंडली के अंतर्गत देखा जा रहा है। तो आइए समझ लेते हैं कि आपके कुंडली में कहाँ आपको और किस जगह बड़ी सफलता मिलेंगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि मकर राशि वाले जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके फिफ्थ हाउस में विराजमान है वृषभ राशि के साथ, उनकी जो दृष्टियाँ होती हैं तीन होती हैं, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं। तो आप देख रहे हैं कि थ्री डॉट बने हुए हैं। तो फिफ्थ हाउस से आपको किस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि मकर राशि वाले जातकों का जो प्रेम प्यार है बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपके प्रेम प्यार में जो भी अभी तक के अनबंध चल रही थी, प्रेमी या प्रेमिका के साथ में लड़ाई झगड़े हो रही थी, तो यहाँ पर आपके लड़ाई झगड़े में सुलह देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आप दोनों कहीं पर भी घूमने फिरने जा सकते हैं, एक साथ देखे जाएंगे। और बता दें कि जो मकर राशि वाले जातक स्टूडेंट हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन रहने वाली है। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। साथ ही बता दें कि यहाँ पर संतान का सुख भी प्राप्त होगा। संतान से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, तो यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक होते हुए नज़र आएगी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो पाँचवीं दृष्टि है वो जा रही है आपके नाइन्थ हाउस में। तो दोस्तों, जो मकर राशि वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार का पढ़ाई से रिलेटेड तो ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही यहां पर मकर राशि वाले जातकों का धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि रहने वाला है। आप धर्म कर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाले हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यहाँ पर विदेश जाने का योग बना हुआ है। साथ ही बता दें कि दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का भाग बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर अगर आप अपने घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य 119 दिनों के अंतर्गत करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देवगुरु बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो जा रही है आपके 11th हाउस में, लाभ भाव में। तो यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों को काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, मतलब आपकी जो इनकम है, जो डेली इनकम है, उसमें आपको प्रॉफिट अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही बता दें कि मकर राशि वाले जातकों की कोई ना कोई इच्छा भी पूर्ण होगी इन 119 दिनों के अंतर्गत, आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण हो सकती है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है वो जा रही है आपके लगन को देख रहे हैं। तो मकर राशि वाले जातक यहाँ पर खाने पीने पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों का मोटापा भी बढ़ सकता है। बाकी कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन हल्का फुल्का स्टमक या फिर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि हमने बताया कि वक्री हैं, तो वक्री होने पर देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल चलने लगते हैं, मतलब कि अभी फिफ्थ हाउस में है
फोर्थ हाउस का भी रिजल्ट देंगे। फोर्थ हाउस का जब रिजल्ट देंगे तो यहाँ पर फोर्थ हाउस आपका अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा, सब कोई एक साथ देखे जा सकते हैं। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। नई नौकरी की संभावनाएं देखी जा रही है, नौकरी में कुछ अच्छे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, जब से वक्री होंगे और जब तक रहेंगे वक्री अवस्था में, तब तक मकर राशि वाले जातकों के जीवन में अच्छे ही बदलाव देखने को मिलेंगे, आपके साथ अच्छी ही चीज़ें होती रहेंगी। तो दोस्तों, यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।